शिक्षा भूमि संस्थान YouTube चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है आपका गुप्त वंश से संबंधित है। इसमें हम दो वीडियो आपको देंगे, ये पहला वीडियो है और एक वीडियो और हम देंगे। दो वीडियो में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम निचोड़ने का प्रयास करेंगे। और हमारा ये सीरीज जो है जब तक एग्जाम आपका नहीं हो जाता है जब तक चलते रहेगा। जिनका भी बिहार पुलिस का एग्जाम देना है उनके लिए भी बेहतर ये सीरीज है, जिसमें पूछता है ये सब उसके लिए महत्वपूर्ण है, रिवीजन के खास करके तौर पे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो पहले जो है मेरा गुप्त वंश है, तो आप समझ रहे हैं कि गुप्त वंश का संस्थापक जो है श्री गुप्त हैं, है ना। इसका राजधानी जो है पाटलिपुत्र है और इसका अंतिम शासक जो है विष्णुगुप्त है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन जो है आपको क्या कह रहा है, गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था, है ना। तो चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था, दिनार, रूपक, मासक, टंका या जित्तल। ठीक है, तो यहाँ जो है चांदी के जो सिक्का होता था उसको रूपक कहते थे। आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। अब देखिए जो सोना के सिक्का होता था, सोना है ना, सोना, उसको कहते थे दिनार। फिर जो है चांदी का हो गया रूपक। फिर तांबा, तांबा का जो होता था उसको कहते थे मासक या काकिनी। ठीक है, अब देखिए टंका और जित्तल आपको पता है कहाँ चला था, ये जब इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, इल्तुतमिश के द्वारा दिल्ली सल्तनत काल में। तो देखिएगा टंका जो था वो चांदी का था और जित्तल जो था वो तांबा का है। ये पूछता भी है चांदी का और ये क्या चीखा, तांबा का, है ना, तांबा का। तो ये क्वेश्चन हुआ पहला। ठीक है, आगे देखिएगा, गुप्त काल के प्रशासन का जानकारी किस पुस्तक से मिलता है, तो आर्यभट्टियम, आर्यभट्टीय, एक मिनट, आर्य आर्यभट्टियम, भट्टियम होगा, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, आर्यभट्टियम। ठीक है, आर्य आर्यभट्टियम, देखिए तो आर्यभट्टियम या नीतिसार या अमरकोश या कामसूत्र या पंचतंत्र। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा आपका नीतिसार होगा। आंसर क्या होगा, नीतिसार। अब देखिए नीतिसार का लेखक कौन, कामंदक, है ना। इससे पता क्या चलता है, तो गुप्त काल के प्रशासन का। अब देखिए आर्यभट्टियम है, ये किनके द्वारा लिखा गया, तो आर्यभट्ट के द्वारा। आपको पता है कि आर्यभट्ट जो है शून्य का आविष्कार किए थे, है ना, आर्यभट्ट शून्य का आविष्कार किए थे और आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत दो को पुस्तक लिखे थे, है ना। तो ये नीतिसार हो गया। अब देखिए अमरकोश, अमरकोश जो है ये जो है अमर सिंह के द्वारा लिखा गया है और ये अमर सिंह जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न में शामिल थे। अब देखिए कामसूत्र, कामसूत्र का लेखक जो है बादशायन और कामसूत्र से जो है नगर प्रशासन, नगरीय जीवन का जानकारी मिलता है। गुप्त काल की नगरीय जीवन का जानकारी कामसूत्र से, जबकि प्रशासन का जानकारी, गुप्त काल के प्रशासन का जानकारी नीतिशास्त्र से। और कामसूत्र का लेखक कौन, बादशायन। ठीक है, पंचतंत्र का लेखक जो है विष्णु शर्मा और ये विश्व में सर्वाधिक प्रचलित पुस्तक है, यानी कि किसके बाद, तो बाइबिल के बाद, यानी सबसे प्रचलित पुस्तक जो है बाइबिल है, उसके बाद दूसरे स्थान पे पंचतंत्र है। इसका एक क्वेश्चन और देता है कि सबसे अधिक विदेशी भाषाओं में अनुवाद जो है किस ग्रंथ को किया गया है, तो पंचतंत्र को 40 विदेशी भाषाओं में जो है इसको अनुवाद किया गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा पंचतंत्र यानी विष्णु शर्मा। ठीक है, आगे देखिए, रेशम बुनकरों का जानकारी किस अभिलेख से मिलता है, तो ध्यान दीजिएगा पहला है प्रयाग प्रशस्त्री, दूसरा है महरौली अभिलेख, हिरण्य अभिलेख, मंदसौर अभिलेख या भीतरी अभिलेख। तो रेशम बुनकरों का जानकारी जो है मंदसौर अभिलेख से मिलता है। ठीक है, अब देखिएगा ये प्रयाग प्रशस्त्री अभिलेख, तो इससे जो है समुद्रगुप्त का जानकारी मिलता है। ठीक है, फिर आपका महरौली अभिलेख, तो ये जो है लोहा का अभिलेख है महरौली अभिलेख, और इससे जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय का जानकारी मिलता है। हिरण्य अभिलेख से सती प्रथा का, ये पूछता है सती प्रथा, सती प्रथा का जो है जानकारी किस अभिलेख से, तो हिरण्य अभिलेख से, और इसको से किस किसको, चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय, और इससे समुद्रगुप्त, समुद्र गुप्त, और भीतरी अभिलेख
इससे जो है आपका गुप्त काल में जो है हूनों का आक्रमण हुआ था, तो हूनों का आक्रमण का जानकारी जो मिलता है वो भीतरी अभिलेख से मिलता है, और हुन का आक्रमण जो है गुप्त काल में किस शासक के समय हुआ था, तो स्कंद के गुप्त के समय, यहाँ जो है हूनों के द्वारा, हूनों के आक्रमण आक्रमण का जो है जानकारी मिलता है, और ये आया था किनके समय, तो स्कंद गुप्त, स्कंद गुप्त के समय आया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि भारत में, या फिर क्वेश्चन पूछ देगा इस तरह से कि हूनों का आक्रमण जो है किस शासक के समय हुआ था, तो स्कंद गुप्त के समय, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है। तो देखिएगा, कहा जा रहा है मंदिर का प्रमाण, मंदिर का प्रारंभ, देखिएगा आपको कौन आंसर आता है, वर्तमान पुराणों की रचना, या भक्ति का प्रारंभ, या मूर्ति का प्रारंभ। तो कौन सा असत्य है इसमें, तो असत्य जो है आपका मूर्ति का प्रारंभ, ये जो हुआ था आपका सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था। कहां हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता में। मंदिर का प्रमाण हुआ था, है ना, फिर पुराण यानी कि वर्तमान में पुराणों की रचना, ये भी हुआ था, भक्ति का प्रारंभ ये भी हुआ था। तो ये सब सही है, ये आपका गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। अब देखिए पुराण, तो पुराणों पुराण जो है इसका शाब्दिक अर्थ पूछता है प्राचीन कथा। पुराण का जो है शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन कथा, ठीक है। पुराण का जो है लेखक कौन, तो लोमहर्ष और उग्र सर्वा, है ना। पुराणों का संख्या ये कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना, पुराणों का कितना संख्या है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, आगे देखिएगा, महाराजा धीराज का उपाधि जो है किस शासक ने धारण किया। ऑप्शन जो है श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, या विष्णुगुप्त, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो चंद्रगुप्त प्रथम। अब देखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम जो है इन्होंने महाराजा धीराज का उपाधि धारण किया था, और इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। इनका जो है राज्याभिषेक 319 ईस्वी में हुआ था, इसीलिए जो है उसी के याद में इन्होंने गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। ये श्रीगुप्त हुए तो गुप्त वंश के संस्थापक थे, है ना, समुद्रगुप्त। अब देखिएगा, समुद्रगुप्त जो है ये आपको पता है चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी के पुत्र थे समुद्रगुप्त। इनको जो है ये आर्यावर्त के जो है आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को ये पराजित किए थे, इसीलिए जो है इनको आर्थर स्मिथ ये भी कह सकते हैं, ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। भारत का नेपोलियन कहा था किसको? समुद्रगुप्त को, है ना। अब देखिएगा, समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, समुद्रगुप्त को, ठीक है। और समुद्रगुप्त जो है इनका जानकारी जो है प्रयाग प्रशस्त्री अभिलेख से मिलता है, ठीक है। आगे देखिए समुद्रगुप्त, इसके बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, आपको पता है ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे इनका समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी थे, ठीक है। अब देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे इनके दरबार में जो है नवरत्न रहता था, है ना, इनके दरबार में नवरत्न रहता था। किनके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। इन्होंने जो है, इनको जो है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। किनको? चंद्रगुप्त द्वितीय को। इन्होंने विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था और इन्होंने शकों पर विजय प्राप्त किया था, समझे, इन्होंने शकों पर विजय प्राप्त किया था, उस उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी का सिक्का जारी किया था। अगला ऑप्शन है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो था वो गुप्त वंश का अंतिम शासक था, तो गुप्त वंश का अंतिम शासक पूछेगा तो कौन हो जाएगा? तो विष्णुगुप्त हो जाएगा। तो ये आपका 5 क्वेश्चन था, उसका विश्लेषण था। एक बार फिर से, गुप्त वंश, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहते हैं? तो रूपक, सोना के सिक्का को दिनार, और तांबा के सिक्का को आपका मासक या काकिली, है ना। ये जो है आपका मध्यकालीन इतिहास, जो कहने का मतलब दिल्ली सल्तनत में जो है टंका और जीतल जो है इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था, तो जीतल जो होता था वो तांबा का और टंका जो होता था वो चांदी का, और एक टंका बराबर 48 जीतल होता था, ठीक है। तो गुप्त काल के प्रशासन का जानकारी जो है नीति शास्त्र से। लेखक कौन? कामंदर। आर्यभट्टिया और सूर सिद्धांत का लेखक कौन? तो आर्यभट्ट। और ये जो है अमरकोश का लेखक? तो अमर सिंह। कामसूत्र का बात्स्यायन। पंचतंत्र का विष्णु शर्मा। रेशम बुनकरों का जानकारी किस अभिलेख से? तो मंदसौर अभिलेख से। फिर सती प्रथा का हिरण्य अभिलेख से, चंद्रगुप्त द्वितीय का महरौली अभिलेख से, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से, और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक कौन? तो हरीशेन, है ना, हरीशेन।
आगे भित्री अभिलेख से हूनों का आक्रमण का जानकारी मिलता है, और हुन का आक्रमण हुआ था किसके समय, तो स्कंद गुप्त के समय। गुप्त काल के संबंध में कौन कथन असत्य है, तो मूर्ति का प्रारंभ जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था, या फिर यहाँ जो है मंदिर का प्रारंभ हुआ, तो मंदिर हुआ तो भगवान हुए, भगवान हुए तो भक्ति हुआ, है ना, तो भक्ति, और फिर पुराणों का रचना भी इसी समय हुआ, है ना। महाराजा धीराज का उपाधि जो है किस वंश, किस शासक ने धारण किया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इस यानी गुप्त काल को जो है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल कहते हैं, है ना। हम आपसे एक क्वेश्चन पूछे हैं, क्या क्वेश्चन पूछे, पुराणों का संख्या कितना है, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आज भर इतना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।